एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल रिएक्शंस हर्ट। मैं आशु। मैं मीनाक्षी। सो हियर वी बोथ आर बैक अगेन विद अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन जिंदे मेरे सॉन्ग। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, डू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और हमारे सेकंड चैनल दैट इज द डेली गर्ल्स, उस पर फटाफट से 500 सब्सक्राइबर्स करवा दो। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स उस पर हो जाएंगे, हम स्पाइसी कोरियन नूडल्स चैलेंजेस पर अपलोड कर देंगे। अभी वीडियो को पॉज करो इसको और कमेंट सेक्शन खोलो, उसमें हमने पिन कर रखा है लिंक, चैनल का लिंक, उस पे जाके क्लिक करो, उसको चैनल को सब्सक्राइब करो और वापस दोबारा आओ ये वीडियो देखो। आप स्टार्ट करते सॉन्ग। तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब नाल जी, ते मेनू मेरी जिंदगी मेरे हिसाब नाल जी। रहमत तू तो एक जने नु चुन लिया, पर हुण मेरे को चुनन लई इस जिंदगी च कुछ नहीं बचा। गॉड गोज बम्प्स। वॉइस देखी, वॉइस कितनी प्यारी थी। वॉइस परमेश वर्मा सर के, पर्सनालिटी भी काफी अच्छी थी। तू कमली होगी प्यारा दे विच, ओदे प्यार हजारा दे विच। कमली होगी प्यारा दे विच, ओदे प्यार हजारा दे विच। तू रावी ओही चुनिया जो सुपना है तू बुनिया, ओथे ना होर किसे आना। जिंदे मेरी मर्जी तेरी है, तुरदे तुरदे मुक जाना इश्क दी वाटल मेरी है। जिंदे मेरी मर्जी तेरी है, तुरदे तुरदे मुक जाना इश्क दी वाटल मेरी है। जिंदे मेरी है, जिंदे मेरी है, 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 मेरी है। बुल्ट पे कितना अच्छा लग रहा है ना। लोकेशन बहुत प्यारी है, बाहर चली गई है क्यों अपने चावां दी, ओनू कोई फिक्र नहीं तेरे मुक दे सावां दी। कितरे यार नजर नहीं आना, पल्ले पैजू फिर पछताना। जद सदरा दिल बिच मुकिया, कदे कोई लगना नहीं सोना। जिंदे मेरी मर्जी तेरी है, तुरदे तुरदे मुक जाना इश्क दी वाटल मेरी है। जिंदे मेरी मर्जी तेरी है, तुरदे तुरदे मुक जाना इश्क दी वाटल मेरी है। जिंदे मेरी है, मर्जी तेरी है ना। कितना सैड सा सॉन्ग था, इमोशनल है ना। सैड और सैड के साथ मुझे जो अगर सॉन्ग को साइड में रख के वीडियो की बात की जाए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। जैसे वो सनसेट व्यू आया था ना, वो काफी अच्छा लग रहा था। वो एक कुछ अलग सी वाइब्स दे रहा, अलग ही वाइब्स दे रहा था। वो सैड मोमेंट में थे ना, और हम जब सैड में कुछ हम आसमान या कुछ देखते हैं ना, डाउन फील करते हैं हम, तो ज्यादातर हम सनसेट को ही प्रेफर करते हैं कि हम काश एक कॉर्नर पे बैठे और सामने सनसेट व्यू हो, तो उसको वो देख के थोड़ा हील हीलिंग होती है, उसको देख के थोड़ा हम हील होते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो वो वाला जो सीन लिया था वो काफी अच्छा लिया गया था, क्योंकि जिस हिसाब से सॉन्ग जा रहा था उसी हिसाब से लोकेशंस ली गई है। स्पेशली पिंड की लोकेशंस तो बहुत ही प्यारी होती है, और ऊपर से कलर ग्रेडिंग बहुत ही प्यारी की गई थी, है ना। वो जो स्काई की कलर ग्रेडिंग बहुत ही अच्छी की गई थी, डार्क कलर्स को एनहांस किया गया था। सोनम मैम जो थी ना, सोनम मैम बाहर चली गई थी और अपने पिंड में ही थे। मतलब ये नहीं था कि वो बाहर चलकर मूव ऑन कर ले, ये नहीं था, बट
पूरी पूरी जो फ्लैशबैक्स थे ना वो उनको आ रहे थे है ना, वो उनके बारे में सोच रहे थे, वो उनके बारे में सोच पास्ट उनको आ रहा था याद बार बार, वही होता है ना। और जो मुझे बेस्ट लाइन जो उसमें से अच्छी लगी ना वो लाइन थी कि ओनू कोई फिक्र नहीं तेरे मुकदे साहा दी, है ना, कि उसको कोई फिक्र नहीं है तेरे सासों की, कोई फिक्र नहीं है तू जी रही है या मर रही है, तेरे उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई केयर ही नहीं है ना। वो लाइन में बोल दिया था ना कि तू अपने हाल पे रह, तू अपने हाल पे जी, और मुझे भी मेरे हाल पे जीने और जीने थे। उस लाइन ने मुझे गूज़बम्प्स दे दिए। वो स्टार्टिंग में ही ऐसे बोल पड़े ना, वो बोल रहे थे कि मेरे पास तो इस जिंदगी के अलावा और कुछ मतलब चूज करने के लिए नहीं है, है ना। तूने तो अपना चूज कर लिया कि तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, मेरे पास तो ये जिंदगी है, मैं इसको जिंदगी चूज करूं या नहीं। अच्छा था सॉन्ग, इमोशनल था, सैड था थोड़ा। और वो जो परमेश वर्मा की या फिर टी शर्ट थी, टी शर्ट ही थी वो, है ना, टी शर्ट थी जिसपे पापा लिखा हुआ था, वो टी शर्ट मुझे अच्छी लगी। वो येलो कलर की जो पहन रहे थे, ग्रीन मस्टर्ड कलर था, मस्टर्ड नहीं था, ग्रीन था, लाइट ग्रीन। जब वो अपने पापा को गले लग के रोते हैं, वो इतना मेरे को पता नहीं है, मैं खोई या बुल्ट पे आ रहे थे, वो बुल्ट पे तो अलग ही उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था, वो भी सीन अच्छा था ना, वो सीन काफी अच्छा लग रहा था, बुल्ट पे बैठे तो काफी जच रहे थे वो। वो भी सीन अच्छा था जब उनके पापा पूछते हैं ना क्या हुआ, वो एकदम से रोक के गले लगते हैं ना, वो भी वो मोमेंट है ना, वो हर किसी के साथ होते हैं जब हम परेशान होते हैं ना कुछ ना कुछ, तो पेरेंट्स के जाके गले लगते हैं हम, अपने पेरेंट्स को बताते कि ये हुआ ये हुआ, फिर हमारे पेरेंट्स हमें राह दिखाते। अगर हम उनको बताए भी ना, बस हम उनको हग कर ले जाके, तो तब भी हम थोड़ा लो फील करते हैं, है ना। सच में अच्छा था, हाँ आई एग्री 100%। आपको कैसा लगा जिंदे मेरे, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हमें अच्छा लगा रिएक्शन वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा। इसी बात पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, डू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।